नमस्कार दोस्तों, आओ सीखी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेडीज़ कार्डिगन जैकेट या जिस किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और चार के मल्टीपल फंदों में ये बना हुआ है, और तीन फंदे एक्स्ट्रा लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, तो अपने मेन कलर से तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे में दूसरे रंग के ऊन से एक सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे में एक और सीधा। यानी हमने यहाँ पे एक से तीन फंदा कर लिया, फिर अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और चौथे फंदे में दूसरे रंग के ऊन से एक सीधा बुना, ऊन अपनी ओर किया और इसी फंदे में एक और सीधा। यानी यहाँ हमने एक फंदे से तीन फंदा कर लिया, फिर अगला तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, यहाँ हमने चौथे फंदे में दूसरे रंग के ऊन से तीन फंदा बनाना है, एक ही फंदे में तीन फंदा बनाना है, एक सीधा बुना, ऊन अपनी ओर करेंगे तो जाली पड़ जाएगा और एक फंदा बढ़ जाएगा, तो इसी में फिर एक और बार सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन फंदे हो गए। तो हम चौथे फंदे में एक से तीन फंदा करेंगे और फिर पहले रंग के ऊन से सभी तीन फंदे सीधे। चौथे फंदे में तीसरा तीन फंदा बनाते समय थोड़ा हम हाथ ढीला रखेंगे, थोड़ा खींच के लूप थोड़ा बड़ा रखेंगे। अगला तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब हमारे पास यहाँ तीन फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर दूसरे रंग के ऊन से, यहाँ तीन तीन फंदे दोनों रंग के ऊन से हो गए हैं। तो अब दूसरे रंग बैक साइड और सेकंड लाइन, तो अपना दो रंग के ऊन से सॉरी पहले रंग के ऊन से दो फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, हमने ये जो एक फंदे से तीन फंदा किया था, तो पहला फंदा और इसका तीसरा फंदा, ये दो फंदे एक साथ लेंगे और ऐसे इसे पलट लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे पहले रंग के ऊन से। और जो एक से तीन फंदा किया था तो ये बीच का फंदा है, इसे इसी रंग के ऊन से यानी सफ़ेद रंग के ऊन से उल्टा बनाएंगे। और फिर ये अगला दो फंदा एक साथ लेंगे और पहले रंग के ऊन से एक उल्टा फंदा बना दिया, दो का एक किया। यहाँ पे हमने एक से तीन फंदा किया था, अब दो दो फंदे एक साथ लेके बुनने से ये वापस एक फंदा हो गया है। यहाँ दो फंदे घट गए हैं तो यहाँ वापस एक ही फंदा रह गया है, यानी जितने फंदे हमारे पास थे उतने फंदे यहाँ पर वापस हो गए। अगला फंदा इसी रंग के ऊन से उल्टा, फिर यहाँ पे हमने तीन फंदा बनाया था तो इसका तीसरा फंदा पहले रंग के ऊन का, ये तीसरा फंदा और ये जो हमने एक से तीन किया था तो इसका पहला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और ऐसे इसे पलट लेंगे। अब ये सफ़ेद वाला ऊन देखिए ऊपर आ गया है, अब दोनों को एक साथ लेंगे और हरे रंग के ऊन से दोनों को एक फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए तीन फंदा हरा हो गया
और बीच वाला फंदा जो है उसे सफ़ेद बुनेंगे। फिर सफ़ेद और हरा दो फंदे एक साथ लेंगे और इसको हरे रंग के ऊन से एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे दो फंदा दोनों साइड से एक एक फंदा वापस घट गया, फिर हरा, फिर ये दो फंदा है, देखिए दो फंदा है, एक हरा और एक सफ़ेद, इसको ऐसे पलट देंगे तो सफ़ेद वाला फंदा ऊपर आ गया। यहाँ पे सफ़ेद वाला फंदा ऊपर आ गया। अब दोनों को एक साथ लेके हरे रंग के उनसे एक उल्टा फंदा बना देंगे। यहाँ पे एक फंदा घट गया, दो फंदे का एक बनाया तो एक फंदा घट गया। बीच वाला फंदा सफ़ेद रंग के उनसे उल्टा, और फिर इन दो फंदों को एक साथ लेंगे और हरे रंग के उनसे दो का एक कर लेंगे। अगला फंदा हरे रंग के उनसे उल्टा, फिर इन दो फंदों को एक साथ लेंगे और इन्हें पलट लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए हरे रंग के उनसे एक उल्टा फंदा बना लेंगे। बीच वाला फंदा सफ़ेद रंग के उनसे उल्टा, फिर इन दो फंदों को एक साथ लेंगे और हरे रंग के उनसे एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा हरे रंग के उनसे उल्टा, फिर देखिए ये दो फंदों को एक साथ लेंगे, ऐसे पलट लेंगे। अब सफ़ेद फंदा ऊपर आ गया, दोनों को एक साथ लेते हुए हरे रंग के उनसे एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा बीच वाला फंदा सफ़ेद रंग के उनसे उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सफ़ेद और हरा, इसको इसी तरह जैसे है वैसे ही हरे रंग के उनसे उल्टा बना लेंगे। फिर हरे रंग के उनसे एक फंदा उल्टा, फिर देखिए हरा और सफ़ेद है, इसको ऐसे पलट लेंगे और अब सफ़ेद वाला ऊन ऊपर आ गया है, दोनों को एक साथ लेते हुए हरे रंग के उनसे एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फूल का बीच वाला फंदा हमेशा सफ़ेद रंग के उनसे बुना जाएगा, बाकी ये दोनों फंदे किनारे वाले हरे रंग के उनसे उल्टा बुने जाएंगे। इस तरह हमारा दो लाइन कंप्लीट होता है। और अब देखिए हरे रंग के उनसे एक फंदा बनाएंगे सीधा या स्लिप कर लेंगे, और हरे रंग के उनसे ये देखिए तीन फंदा है, तो बीच वाले फंदा में हम सफ़ेद रंग के उनसे तीन फंदा बनाएंगे। एक बनाया, उन अपनी ओर किया और इसी में एक और फंदा। फिर ये देखिए यहाँ फूल बना था, तो ये सफ़ेद वाला फंदा है और ये दोनों साइड वाले फंदे। इस बार ये तीनों हरे रंग के उनसे सीधा बना लिए जाएंगे। और डिज़ाइन जो तीन फंदा हरा बना है, तीन फंदों में से ये बीच वाले फंदे पे डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे। तो सफ़ेद रंग के उनसे इस फंदे को एक से तीन कर लेंगे। यहाँ जहाँ फूल बना है सफ़ेद फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे यानी ये तीन फंदे इस बार हरे रंग के उनसे सीधा बुने जाएंगे। तो तीन फंदा हरे रंग के उनसे सीधा और ये बीच वाला फंदा है हरे रंग के उनसे, ये बीच वाला फंदा था, तो इस फंदे पर इस बार डिज़ाइन बनेगा। तो सफ़ेद रंग के उनसे तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदा हरे रंग के उनसे सीधा, एक दो तीन, और चौथे फंदे पे देखिए ये डिज़ाइन बना है और बीच में एक फंदा जो बना हुआ है बचा हुआ है इस फंदे पे डिज़ाइन बनेगा। तो चौथे फंदे पे सफ़ेद रंग के उनसे एक से तीन फंदा बनाएंगे, हाथ थोड़ा ढीला रखेंगे, थोड़ा खींच के, फिर अगले तीन फंदे हरे, एक, और ये देखिए ये जो सफ़ेद वाला फंदा है वो हरा बुना जाएगा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, तो ये तीन फंदे हरे हो गए। और ये बीच वाला फंदा जो एक बचा हुआ है इस पर सफ़ेद रंग के ऊन से
एक से तीन किया जाएगा, एक ऊन अपनी ओर किया और इसी में एक बार और सीधा बुनने से ये तीन फंदे हो गए। अगले तीन फंदे हरे रंग के ऊन से सीधा, एक दो तीन, और फिर चौथे फंदे में यानी बीच वाले फंदे में एक से तीन करेंगे सफ़ेद रंग के ऊन से। अगला तीन फंदा हरे रंग के ऊन से सीधा, लास्ट फंदा हरे रंग के ऊन से सीधा। फोर्थ रो और बैक साइड, यहाँ पे देखिए एक हरा फंदा और एक सफ़ेद फंदा है, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और इसे पलट के सफ़ेद फंदे को ऊपर कर लेंगे और फिर इसे हरे रंग के ऊन से एक उल्टा बना देंगे। यहाँ पे दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा बना रहे हैं यानी दो का एक किया। फूल का ये बीच वाला फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से उल्टा बनाया जाएगा, फिर ये फूल का पहला फंदा और हरे रंग का ऊन का तीसरा फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और हरे रंग के ऊन से एक उल्टा फंदा बना देंगे। अगला फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पलटेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे हरे रंग के ऊन से। बीच वाला फंदा ये फूल का बीच वाला फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से उल्टा बना जाएगा, फिर दो फंदे हरे रंग के ऊन से सफ़ेद और एक हरा लेंगे और इसे हरे रंग के ऊन से उल्टा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, पलटेंगे और सफ़ेद फंदा ऊपर आ जाएगा और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारा तीन हरा एक सफ़ेद, तीन हरा एक सफ़ेद होता जाएगा। चौथे लाइन में देखिए तीन हरा एक सफ़ेद, इसी तरह बीच वाला फंदा सफ़ेद रंग के ऊन से उल्टा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं डिज़ाइन लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।